हेलो दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि राज्य में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN मिशन के तहत विद्यालय में कक्षा 1 लेकर 3 तक के विद्यार्थियों में वर्ग सापेक्ष उपलब्धि कराने हेतु विद्यालय स्तर पर विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में विद्यालयों को स्कूल किट तथा चिल्ड्रन किट उपलब्ध कराया गया है। विद्यालय में पुस्तकालय हेतु बच्चों के लिए पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई हैं। बच्चों के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। शिक्षकों द्वारा इन सभी शैक्षणिक संसाधनों के समुचित उपयोग से ही हम मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों के अभिभावकों की एक महत्वपूर्ण प्रतिभागिता हो। आपको ज्ञात होगा कि 20 अक्टूबर 2022 को कक्षा 1 के सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब बिहार सरकार के द्वारा पत्रांक 6967 दिनांक 10/11/22 के अनुसार 26 नवंबर 2022 को कक्षा 2 के सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 20 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुई संगोष्ठी के अनुभवों का प्रयोग इस बार के कार्यक्रम में भी किया जा सकता है, जिसमें निम्नोक्त तैयारी आवश्यक है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो आपको जानकारी हो। जिसमें सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया जाए कि वे अपने क्षेत्राधीन सभी प्रधानाध्यापकों की बैठक दिनांक 15 से 19 नवंबर 2022 को करें, जिसमें उन्हें इस आयोजन की जानकारी दें। सभी प्रधानाध्यापक विद्यालयों में शिक्षकों के साथ बैठकर अपने विद्यालय में संगोष्ठी के आयोजन की योजना बनाएं। प्रधानाध्यापकों को यह निर्देश दिया जाए कि दिनांक 26 नवंबर 2022 के पूर्व विद्यालय भवन एवं परिसर की सामान्य साफ सफाई आवश्यक रूप से करा लें तथा विद्यालयों के सभी संसाधनों को सुव्यवस्थित कर लें। प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक छात्र छात्राओं के अभिभावकों को एक पृष्ठ का हस्तलिखित आमंत्रण इस आमंत्रण पत्र को बनाने में शिक्षक तथा सीनियर वर्ग के विद्यार्थियों की मदद ली जाए। आमंत्रण पत्र के एक पृष्ठ पर कक्षा 2 के निपुण लक्ष्यों को लिखा जाएगा। आमंत्रण पत्र पर विद्यार्थी का नाम, अभिभावक, माता पिता का नाम अंकित किया जाएगा। यदि संभव हो तो शिक्षक छात्र छात्राओं के घर जाकर उनके अभिभावकों को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। दिनांक 26 नवंबर 2022 को आयोजित होने वाली बैठक के लिए विद्यालयों में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जानी चाहिए, जैसे बैठक के लिए बेंच, डेस्क, दरी, सफेदा आदि की व्यवस्था। दिनांक 26 नवंबर 2022 के दिन विद्यालय के सभी कक्षाओं में विद्यालयों को प्रदान की गई स्कूल किट तथा चिल्ड्रन किट को रखा जाएगा, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं का शिक्षण किया जाएगा। विद्यालयों में प्रदान की गई पुस्तकों को छात्र छात्राओं के उपयोग के लिए रखा जाएगा। IEC सामग्री जैसे अभिभावक से संबंधित पोस्टर, अधिगम प्रतिफल पोस्टर से विद्यालयों को सजाना एवं निपुण अभियान गीत, चहक गीत इत्यादि लाउडस्पीकर के माध्यम से सुनाया जाए। संगोष्ठी के दिन कहानी सुनाने वाली गतिविधि की तैयारी के लिए विद्यार्थियों ने TLM यानी स्कूल किट में उपलब्ध कहानी की पुस्तकें उसे अभ्यास कराया जाए। दिनांक 26 नवंबर 2022 को विभिन्न गतिविधियां विद्यालय में अभिभावकों के साथ संचालित की जाएंगी, जैसे TLM में उपलब्ध कहानी की पुस्तकें, विद्यालय में उपलब्ध पुस्तकालयों के पुस्तकों से विद्यार्थी कहानी हाव भाव के साथ पढ़कर अभिभावकों को सुनाएंगे। प्रधानाध्यापक शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा यथासंभव यह प्रयास किया जाएगा कि प्रत्येक अभिभावक से उनके बच्चों के सामान्य उपलब्धि शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक के बारे में बातचीत की जाए। निपुण अभियान के अंतर्गत कक्षा 2 के लक्ष्यों के बारे में बातचीत करेंगी। अभिभावकों से आग्रह करें कि वे घर पर नियमित रूप से प्रत्येक दिन शाम के समय पढ़ने के लिए बच्चों को बैठाएं तथा उनके साथ स्वयं भी बैठें। विद्यालय में प्रतिदिन हो रही गतिविधियों के बारे में बच्चों से बातचीत करें तथा उन्हें घर पर बच्चों के साथ दोहराएं और बच्चों द्वारा अभ्यास पुस्तिका पर किए गए कार्य को देखें। अभिभावक सरल 2 अक्षर वाले शब्दों की चर्चा बच्चों के साथ घर पर कर सकते हैं। घर में उपस्थित पुस्तकों का उपयोग करते हुए अभिभावक बच्चों के साथ बड़ा छोटा, काम ज़्यादा की तुलना, गिनती इत्यादि गतिविधियाँ कर सकते हैं। अभिभावक बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ सुना सकते हैं और बच्चों से कहानियाँ सुन भी सकते हैं। अभिभावकों को विद्यालय भ्रमण करवाना एवं उनके साथ अभिभावकों का विचार भी लेना आवश्यक है। इन्हीं सब चर्चाओं के लिए विद्यालय में
दिनांक 26 नवंबर 2022 को बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आप सभी शिक्षक, अभिभावक एवं बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लें। ऐसे ही और भी वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लें। धन्यवाद।